क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में इसके अंदर आर एल और सी गिवन है, ये सर्किट कौन सा है? एलसीआर इन सीरीज का सर्किट है। आप वोल्ट मीटर के चक्कर में ना पढ़ें, वो तो जस्ट मेजरमेंट के लिए है, अदरवाइज एलसीआर इन सीरीज है। तो क्वेश्चन है आपको ये बताना है इसमें कि वोल्ट मीटर की जो रीडिंग्स हैं V1, V2, V3, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो रूल नंबर वन, इसके अंदर ओमेगा क्या गिवन है? 1/√LC। अब क्योंकि ओमेगा 1/√LC है तो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंस। रेजोनेंस के ऊपर वोल्टेज इंडक्टर की और कैपेसिटर की आपस में क्या हो जाएगी? कैंसल। तो नेट वोल्टेज V2 क्या आएगा? जीरो। तो एक आंसर V2 तो पक्का जीरो आएगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, या ये है या ये है। ठीक हो गया। अब बात करते हैं V1। अब क्योंकि V2 जीरो है, टोटल वोल्टेज जितनी भी है, मान लो V3 है, टोटल वोल्टेज V3 थी, ये तो कट गया, तो V3 ऑब्वियसली किसके इक्वल होगा? V1। तो V3 V1 के इक्वल है, और V3 V1 वोल्ट मीटर मेजर क्या करता है? RMS वैल्यू। तो V0 E0 की RMS वैल्यू कितने? E0/√2। तो ये RMS, ये RMS, और ये वैल्यू क्या आएगी? जीरो। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R आर ज्वाइंड इन सीरीज। तो फिर से एक बार L R सीरीज क्वेश्चन है, कनेक्टेड बाय ओमेगा, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट क्या होगी? मैंने आपको बताया था, चाहे LCR है चाहे LR है, पावर डिसिपेशन के अंदर हमेशा फॉर्मूला क्या लगता है? I²Z, नहीं I²R। और क्योंकि LR सर्किट है तो करंट क्या होगा? V/Z, और Z की वैल्यू क्या होगी? √R²+Lω2। तो ये LR सर्किट है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? इसको सिंप्लीफाई करके आंसर, तो स्टेप समझ में आ रहे हैं यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें? ठीक है, स्टार्ट I²R से, और करंट की वैल्यू V/Z, और Z आपने कंप्लीट इंपीडेंस पुट करनी है, R और L की जो इंपीडेंस है पुट करके आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ट्रांसफॉर्मर का क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिवन है 1000 3000। 80 वोल्ट AC है इज अप्लाइड टू द प्राइमरी, तो ये प्राइमरी वोल्टेज गिवन है, तो आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस पर टर्म इन सेकेंडरी। तो सेकेंडरी वोल्टेज निकालनी है, हमें तो फॉर्मूला डायरेक्टली आता ही है कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी प्राइमरी, वोल्टेज सेकेंडरी प्राइमरी। तो आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, आपको इसमें वोल्टेज सेकेंडरी 3 times प्राइमरी आ जाएगा, और प्राइमरी की वोल्टेज आपको 80 गिवन है, तो सेकेंडरी की वोल्टेज 240 आ गई। पर आपको सेकेंडरी की वोल्टेज ही निकालनी है, आपको सेकेंडरी की वोल्टेज पर टर्न निकालना है। तो वोल्टेज आपको पता है और नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितनी है? 3000। तो डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगा? वोल्ट पर टर्न करो, वोल्ट पर टर्न आना चाहिए। तो इतने वोल्ट पर टर्न इज द आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो ट्रांसफॉर्मर की सिंपल प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन नंबर 10, अ सोलेनोइड कनेक्टेड टू अ रेजिस्टेंस आर। तो ये सोलेनोइड है, रेजिस्टेंस आर है, एंड अ बल्ब बी, बल्ब बी भी कनेक्टेड है, और सोर्स ऑफ EMF ई, ये रहा, रेजिस्टेंस आर है, इज एडजस्टेड सो दैट व्हेन K इज क्लोज द बल्ब जस्ट ग्लोस। तो कह रहे हैं रेजिस्टेंस आर को ऐसे एडजस्ट किया कि अगर आपने बैटरी को ऑन किया, बल्ब चमक रहा है, बल्ब जल रहा है। अब वो कह रहे हैं K इज सडनली ओपनड, की को ओपन कर दिया यानी कि स्विच ऑफ कर दिया, बैटरी को हटा के फेंक दिया, तो क्या होगा? जब बैटरी को उठा के आप डिस्कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे जो करंट जा रहा था, तो इंडक्टर क्या, सोलेनोइड क्या है? इंडक्टर। इंडक्टर क्या चाहेगा कि मेरा करंट कैसे कम हुआ? तो वो एकदम अपने अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगा ताकि उसका करंट कम ना हो, इंड्यूस्ड EMF पैदा करेगा, और बल्ब बुझने की बजाय एकदम पहले क्या करेगा? ब्राइट होगा, फिर धीरे धीरे बुझेगा। और तो इसका मतलब ब्राइटनेस सडनली क्या हो जाएगी उसकी? एकदम गिरने की बजाय इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ इंड्यूस्ड EMF। तो ग्लो वेरी ब्राइटली फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर नीचे गिरता गिरता बंद हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विच S ऑफ द सर्किट इज क्लोज्ड। क्लोज किया, कौन सा सर्किट है? LR सर्किट है। E डिनोट्स इंड्यूस्ड EMF इन L एंड I इज द करंट फ्लोइंग, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। लास्ट टाइम हमने क्या किया था? जब आप बैटरी को ऑन करते हो तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज होता है इंडक्टर में, LR सर्किट में, और करंट कैसे इंक्रीज होता है उस टॉपिक को क्या बोलते हैं? ग्रोथ ऑफ करंट का टॉपिक लास्ट टाइम किया था। ग्रोथ ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या था? I=I0 1-e^(-t/tau) कुछ ऐसा था। तो उसके अंदर जो करंट की वैल्यू है
वो क्या होती थी, इंक्रीज होती थी। तो मेरे हिसाब से भी आप इसको इसको क्लोज करेंगे, जब आप इसे क्लोज करेंगे तो करंट बढ़ेगा, तो गलत आंसर है। ऐसा होगा आंसर, करंट बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मैंने गलत मार्क कर दिया, करंट कम होगा जबकि करंट इसमें इंक्रीज होगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है? तो करंट इसमें इंक्रीज होगा, डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि आप इसे क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12th, नॉट फॉर मेडिकल, क्वेश्चन नंबर 12th ओनली फॉर नॉन मेडिकल। EMF ऑफ 15 वोल्ट इज अप्लाइड इन अ सर्किट कंटेनिंग 5 हेनरी इंडक्टेंस, L गिवन है, R गिवन है। तो रेशियो ऑफ करंट निकालने एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी एंड 1 सेकेंड। तो जब आप LR सर्किट में करंट इंक्रीज करेंगे तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और ये फॉर्मूला फॉलो करेगा, किया था हमने ग्रोथ ऑफ करंट लास्ट टाइम। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, और R आपको गिवन है और L आपको गिवन है, तो सॉल्व करके ये करंट आ गया। केस नंबर 1, आपको टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट निकालना है, तो आप टाइम को यहाँ इन्फिनिटी पुट करें, e की पावर माइनस इन्फिनिटी मैथ्स में जीरो होती है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ आई नॉट। और फिर टाइम t इक्वल टू 1 सेकेंड में आप टाइम की जगह यहाँ पर 1 सेकेंड पुट करें, तो माइनस टू का मतलब e की पावर माइनस टू का मतलब 1/e² LCM, तो I1 आ गया। और आपको इन दोनों करंट की रेशियो निकालनी है, I एट इन्फिनिटी, I एट 1 सेकेंड, तो इनको डिवाइड करके आंसर आएगा। तो नॉट फॉर मेडिकल मैंने बता दिया था, पर नॉन मेडिकल वालों को समझ में आ रहा है, पर टाइम की वैल्यू तो पुट करनी है। करंट की इक्वेशन आप सबको आती है, तो करंट की इक्वेशन आप बना लें, ग्रोथ ऑफ करंट, और इसमें टाइम की दो वैल्यूज पुट करें, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, t इज इक्वल टू 1, और दोनों करंट्स को डिवाइड करके आंसर निकाल लें। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखो इसके अंदर क्या गिवन है। एक वायर है सी डी ऑफ लेंथ एल एंड मास एम स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन ऑन अ कंडक्टिंग रेल्स, और बाकी मुझे पता नहीं क्या है। द वर्टिकल रेल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद रेजिस्टेंस ऑफ आर, तो ये रेल है, आर है, रॉड है। वो कह रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ABCD, तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, क्या निकालना है। मैं चाहता हूं कि सी डी मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ, तो मैं चाहता हूं ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरे, तो वो वेलोसिटी क्या होगी, उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। रूल नंबर 1, ये रॉड नीचे क्यों गिरेगी, इसका वेट इससे नीचे गिरेगा mg, तो अगर mg है तो एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट करेगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकती है, नहीं होगी। मैं चाहता हूं कांस्टेंट हो, तो जब ये नीचे गिरेगी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो ये मोशनल EMF डेवलप करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करती हुई नीचे जा रही है, तो मोशनल EMF कितनी डेवलप करेगी, BLV, और BLV को R से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, करंट आ जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि करंट इसमें ऐसे जाए, करंट ऐसे जाए कि करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगी F=BIL, वो फोर्स कहाँ होनी चाहिए, ऊपर, और ऊपर ही होगी क्योंकि वायर नीचे गिरना ही नहीं चाहती, क्योंकि वायर नीचे गिरने से अपना फ्लक्स इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या करेगी, अपने फोर्स को ऊपर डेवलप करेगी ताकि नीचे ना गिरे, और फोर्स कितनी डेवलप करेगी, F=BIL। तो अगर BIL फोर्स ऊपर की फोर्स mg को बैलेंस कर जाए तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। तो रूल क्या है इसका, मतलब कि BIL में I की वैल्यू क्या पुट करेंगे, BLV/R, तो ये फोर्स आ गई। तो अगर ये फोर्स अपवर्ड हो जाए और वेट को बैलेंस कर जाए तो इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो लॉजिक समझ में आ रहा है कि नीचे क्यों गिरेगी mg, कौन बचाएगा, F=BIL। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है इस क्वेश्चन के अंदर, इन द गिवन सर्किट, ये आपको R गिवन है, ये आपको इंडक्टर गिवन है, RL सर्किट गिवन है, R एक प्योर रेजिस्टर है, L कोई इंडक्टर है, और दो कीज गिवन है, K1 एंड K2, दो कीज लगी हुई हैं, दो बटन लगे हुए हैं, K1 एंड K2। आपको ये गिवन है सोर्स S 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे है, ये सोर्स 100 वोल्ट पे है, इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, एम मीटर लगा हुआ है इसमें। अब वो कह रहा है विद आइदर K1 और K2 अलोन क्लोज्ड, या तो K1 को एक बार बंद करो या K2 को बंद करो, इकट्ठे बंद नहीं करना, एम मीटर रीडिंग इज आई। इफ द सोर्स इज चेंज टू 100 वोल्ट, अगर मैं इसको 50 हर्ट्ज की जगह 100 हर्ट्ज कर दूं, और एम मीटर रीडिंग विद K1 अलोन क्लोज्ड क्या होगी और K2 अलोन क्लोज्ड क्या होगी, मतलब सिंपल लैंग्वेज में, मैंने पहले यहाँ पर 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे लगाया, मैंने 100 वोल्ट को 100 हर्ट्ज पे कर दिया,
तो आपको ये बताना है कि के वन को क्लोज किया तो इसमें करंट क्या होगा, इसको क्लोज किया तो इसमें करंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो रूल नंबर वन, जो रेजिस्ट, अगर मैंने के वन को क्लोज किया पहले, बस के टू को मत करो, तो करंट किस में जाएगा, रजिस्टर में, तो करंट क्या होगा, ई बाई आर, सिंपल कुछ नहीं, ई एम एफ को आर से डिवाइड कर दिया। तो ना तो ई और ना आर ओमेगा पे डिपेंडेंट है, ना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, तो आप फ्रीक्वेंसी कम करें आप फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करें, इस करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो कह रहे हैं कि पहले अगर करंट आए था तो अब भी करंट क्या रहेगा, ऐसे केस में आ ही रहेगा। लेकिन अगर आप इंडक्टर की बात करते हैं, सेकंड की बंद करते हैं, के टू बंद करते हैं, के वन को ओपन करते हैं, तो सारा करंट किस में से पास करेगा, इंडक्टर में से। तो इंडक्टर का करंट क्या होगा, ई डिवाइडेड बाय एक्सएल। अब एक्सएल क्या होता है, एल ओमेगा। अगर आप ओमेगा को डबल कर देंगे, 50 की जगह 100 कर देंगे, अगर डिनोमिनेटर ओमेगा डबल करेंगे, तो करंट क्या हो जाएगा, इसमें हाफ हो जाएगा। तो पहले वो कह रहे हैं करंट आए और आए था, लेकिन ओमेगा को डबल करने से रेजिस्टर के करंट को तो फर्क नहीं पड़ेगा, इंडक्टर के करंट को क्या हो जाएगा, आई बाई टू हो जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे सोचना है? तो पहले के वन को बंद किया, फिर के टू को बंद किया। जब के वन को बंद किया तो रजिस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, के टू को बंद किया इंडक्टर को फर्क पड़ता है, क्योंकि ओमेगा डबल होने से उसका रेजिस्टेंस डबल हो जाती है और करंट हाफ हो जाता है। ठीक। इस क्वेश्चन के अंदर 15th क्वेश्चन, देखो इसके अंदर, इन द फॉलोइंग फिगर स्टेडी स्टेट करंट इन द, देखो स्टेडी स्टेट का मतलब कांस्टेंट करंट है, मैक्सिमम करंट है, कांस्टेंट करंट है, ये चेंज नहीं होने वाला। तो आपको ये बताना है कि रेजिस्टर आर आफ्टर स्विच एस इज क्लोज्ड विल बी इक्वल टू व्हाट। भाई जब स्टेडी स्टेट बोल ही दिया उसने स्विच करने के बाद, तो इंडक्टर में करंट कांस्टेंट जाएगा, और इंडक्टर क्या कहता है कि अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कोई एक्सेल ऑफर करूंगा ही नहीं, क्योंकि स्टेडी स्टेट में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी ही नहीं। तो ना तो इसकी होगी ना इसकी होगी। पहली बात तो दो दो इंडक्टर की जगह पहले एक इंडक्टर लगा लो। दो इंडक्टर अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होती है, वन बाई एल डैश इज वन बाई एल वन, वन बाई एल टू से क्या जाएगा, टू एल बाई थ्री। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इंडक्टर की वैल्यू आ गई, फर्क कोई पड़ता नहीं है, क्योंकि जब स्टेडी स्टेट है तो इंडक्टर का कोई फर्क ही नहीं है। इंडक्टर कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही नहीं एक्सएल, तो सारी रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा, सिर्फ आर। तो करंट क्या होगा, वी बाई आर, बात खत्म, आंसर वी बाई आर। तुम इसको पैरेलल में लगाओ या ना लगाओ, दोनों इंडक्टर ने कुछ नहीं कहना, दोनों इंडक्टर एज इट इज करंट को पास करवाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है शीट में, एसी की शीट में था, अगर आपको याद हो मैंने आखिरी शीट एसी की यही करवाई थी, जिसमें वो ट्रांसफॉर्मर का एक क्वेश्चन भी था बड़ा सा, कि अगर मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, करंट इसमें और वी ए माइनस वी बी की वैल्यू प्लस 0.5 गिवन है, करेक्शन कर लेना, प्लस 0.5 है, और डी आई बाई डी टी इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चन में लिख लेना, और इंस्टेंटेनियस करंट 0.5 है, तो आपको एल निकालना है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन में क्या सिखाया था कि आप यहाँ से स्टार्ट हो जाओ वी ए, यहाँ पर इंडक्टर में इंड्यूस डी एम एफ क्या होगी, माइनस एल डी आई बाई डी टी, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस आई इन टू आर इज इक्वल टू वी बी। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी, डी आई बाई डी टी गिवन है, आई पता है, आर पता है, वी ए माइनस वी बी पता है, और सॉल्व करके क्या जाएगा, एल आ जाएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इंडक्टर की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें? तो ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हमने किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, देखो इस क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग लूप विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर किरचॉफ वोल्टेज। कुछ नहीं है, किरचॉफ लॉ लगाना है, लगा लो। यहाँ से यहाँ चलते हैं, प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस ई वन, करंट के साथ जा रहे हैं, माइनस आई इन टू आर, इंडक्टर में माइनस एल डी आई बाई डी टी, और माइनस से प्लस तो ई टू इक्वल टू जीरो। सॉल्व करके इक्वेशन को मार्क कर लेना, आंसर आ जाएगा। किरचॉफ लॉ लगा के देखना है, सिंपल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार देखें प्लीज। देखो क्वेश्चन है, इंडक्टर है, ये बैटरी है, ये वाई है, एक्स है और ये जेड है। इन दिस सर्किट द कॉइल हैज इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो इंडक्टर है और रेजिस्टेंस, इसके अंदर ही आर छुपा हुआ है, आर एल है, ये एल भी है, इसमें आर भी है। व्हेन एक्स इज ज्वाइन टू वाई, बैटरी कनेक्ट हो गई तो करंट किस में जाएगा, इंडक्टर में जाएगा। टाइम कॉन्स्टेंट टाउ है, ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द करंट, ऑब्वियसली जब बैटरी इसके साथ कनेक्ट होगी तो ग्रोथ ऑफ करंट का केस बनेगा, करंट इसमें ग्रो होगा। कब तक, जब तक करंट क्या नहीं हो जाएगा, मैक्सिमम। तो आई नॉट कभी ना कभी तो होगा ही होगा। तो मान लो स्टेडी स्टेट आ गई, स्टेडी स्टेट का मतलब करंट अब मैक्सिमम हो गया इंडक्टर में, तो इंडक्टर ने एक्सेल अपना रोल प्ले करना बंद कर दिया। तो उस टाइम कोई बताएगा कि करंट क्या होगा इंडक्टर में, उस टाइम करंट होगा कितना, आई नॉट। हाँ ठीक है, वी ई बाय आर भी कर सकते हो, उस टाइम करंट मैक्सिमम होगा आई नॉट। क्लियर है यहाँ तक? हीट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल एट अ रेट इज पी। तो हीट प्रोड्यूस्ड एट अ रेट का मतलब होता है पावर। तो पावर क्या है इसमें, पी। पावर किस में जनरेट होती है, रजिस्टर में। तो पावर किस में जनरेट हुई, रजिस्टर में, और रजिस्टर में करंट उस टाइम पर मैक्सिमम था कितना, आई नॉट। तो पावर कितनी जनरेट हुई, आई नॉट स्क्वायर आर। अब आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू पी बाय आर, यहाँ तक क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है, टाइम कॉन्स्टेंट ऐसे कि इसमें एल बाय आर होता है, हमने किया था। अब वो क्या कह रहे हैं कि मैंने अब वाई से इस कनेक्शन को तोड़ दिया और इसके साथ जोड़ दिया, तो बैटरी तो हट गई, अब सिर्फ इंडक्टर और रेजिस्टर रह गए, राइट? ऐसे ही होगा। पहले मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, आई नॉट करंट दे दिया, स्टेडी करंट आ गया। अब मैंने कनेक्शन तोड़ दिया, कनेक्शन तोड़ के मैंने जेड के साथ कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? जेड के साथ कर दिया। जब मैंने जेड के साथ किया तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि टोटल हीट प्रोड्यूस इन दी कॉइल इज इक्वल टू व्हाट। भाई सारी की सारी एनर्जी कहाँ थी, इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी थी, क्योंकि बैटरी तो हट गई। सारी की सारी एनर्जी कौन लेके बैठा हुआ है, मैग्नेटिक इंडक्टर, इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, क्योंकि करंट क्या था, मैक्सिमम। आई नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, पी बाय आर। एल बाय आर क्या होता है, टाइम कांस्टेंट, ऑप्शन आ गया, ठीक? तो ये आपका ऑप्शन आएगा। तो पहले यानी कि क्या किया आपने, बैटरी के साथ इसके कनेक्ट किया, मैक्सिमम करंट आया, पावर आ गई, आई नॉट स्क्वायर आ गया पी की फॉर्म में। फिर आपने इसे इसे कनेक्ट किया, एनर्जी बाहर निकलेगी इन दी फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक। तो आई नॉट की वैल्यू को क्या पुट किया, पी बाय आर। तो एल बाय आर क्या है, टाउ, आंसर। ठीक है यहाँ तक? 19th इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 19th का मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, 19th। कई क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये, कई फंसे हुए क्वेश्चन निकल जाएंगे 19th करने से कम 8-10। जो एसी की शीट्स करवा रहा हूँ ना, इसमें 7-8 शीट्स हैं, इसमें दो लेवल्स हैं, एक नॉर्मल लेवल है और एक इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। तो आप ये ना सोचें सारा एसी ऐसा ही चलता है, नहीं, सारा एसी ऐसा चलता नहीं। मैं जो करवा रहा हूँ शीट्स, वो
आप ये लगाओ कि वो शीट्स हैं जो आपसे जो आपके डाउट्स बनने वाले हैं बुक्स के अंदर, तो पहली तीन शीट्स ऐसी ही हैं, बाकी शीट्स आप खुद कर सकते हैं, वो सीरीज LCR रेजोनेंस नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जैसे नीट में भी आते हैं, नीट में ऐसा भी आता है, ऐसा नहीं है, बट जो नहीं आने वाले हैं मैं मार्क भी करवा रहा हूँ। तब ये ना सोचें कि AC ऐसा चलेगा, नहीं AC ऐसा नहीं चलेगा, मैं करवा वो पोर्शन रहा हूँ जो मुझे पता है कि आपसे थोड़ा आपको तंग कर सकता है, मैं वही पोर्शन एक एक करवा रहा हूँ। तो मैंने वो शीट्स को एंड में रखा हुआ जो आपसे हो सकती है, वो आपको होमवर्क ही दूंगा करने के लिए, जिसमें अगर 15 क्वेश्चन है उसमें से कम 12 क्वेश्चन आप कर पाएंगे जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर के सारे क्वेश्चंस की वैरायटी ही डिफरेंट है, तो ये ना घर जाके सोचें कि पता नहीं AC ऐसा चलता है, AC चलता नहीं है, शीट्स और सीक्वेंस ऐसे हैं, ठीक है। स्पेशली मेडिकल वाले सोच लेते हैं कि यार अगर ऐसा करना है तो पता नहीं क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप मेडिकल का पेपर उठा के देखें, बहुत टू ईजी, आप NCERT की SL रोड़ा करते हो ना जो मैंने करवाई क्लास में, आप उसके बेस पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इससे मुश्किल नहीं है, इतना इजी है मेडिकल का। तो नॉन मेडिकल में देखो फिर भी आते हैं, तो नॉन मेडिकल में तो, और हम जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किसी भी एंड के लिए कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आएगा, हमारे पास टाइम भी है, तो हम हर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। पेपर का लेवल क्या है वो आप एग्जैक्ट पेपर देखेंगे, नेक्स्ट टाइम मेडिकल को मैं PDF बना के दे दूंगा, आप देख लेना, और नॉन मेडिकल को तो EMI AC मैंने दिया ही हुआ है, तो आप ट्राई कर लेना इसको शीट्स के बाद। तो जैसे ये क्वेश्चन है, एक L है, एक 3R है, एक C है और एक 6R है और एक R है, स्विच वाला क्वेश्चन है, स्विच लगा हुआ है, मैंने स्विच ऑन किया एट टाइम T=0, ये इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो इसे, T=0 वाली स्टेटमेंट को, T=0 का मतलब स्विच ऑन किया ही है, T=0 पे स्विच ऑन किया ही है। रेशियो ऑफ करंट I थ्रू दिस सेल एट टाइम T=0 एंड T=∞, इस सेल ने कितना करंट निकाला जीरो पे और इन्फिनिटी पे, तो जीरो टाइम T=0 पे जैसे ही करंट बैटरी में से निकला, इंडक्टर कहता है देखो ऐसा है, हल्का सा करंट मेरे अंदर आया है, मैं तो इंड्यूस्ड EMF पैदा करूंगा और उस करंट को कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे अंदर कोई करंट नहीं जाएगा। तो ये याद रखना प्रॉपर्टी इंडक्टर की, जब आप T=0 करते हो तो इंडक्टर अपने अंदर से करंट को पास नहीं होने देता, पहला रूल क्लियर है। कैपेसिटर की उल्टी प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर कहते हैं अच्छा T=0 पे हल्का सा करंट है, कोई बात नहीं, मेरी चार्जिंग होनी है तो मैं कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, T=0 पे कैपेसिटर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, इट एक्ट्स एज अ प्योर कंडक्टर। और T=∞ का मतलब बहुत देर के बाद जब करंट कॉन्स्टेंट स्टेडी स्टेट अटेन कर लेता है, तो इंडक्टर कहता है देखो ऐसा है, मैं अब कुछ कहूंगा नहीं, XL है नहीं मेरे पास, तू मेरे अंदर सारा करंट पास कर दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और कैपेसिटर कहता है जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो मैं अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं दूंगा। तो T=0 पे इंडक्टर कहता है मैं नहीं होने दूंगा, T=∞ पे कैपेसिटर कहता है मैं नहीं होने दूंगा, T=0 पे कैपेसिटर कहता है सारा करंट मेरे अंदर से पास कर दो, इंडक्टर कहता है नहीं पास होने दूंगा, इन्फिनिटी पे इंडक्टर कहता है सारा करंट मेरे अंदर से पास कर दो, कैपेसिटर कहता है मैं नहीं होने दूंगा, दोनों का बिहेवियर एकदम उल्टा है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये प्रॉपर्टी याद रहेगी। अब एक चीज़ देखो, T=0 किया मैंने, टाइम जैसे T=0 किया इंडक्टर कहता है भाई मेरी वायर में करंट पास करने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं होने दूंगा, तो इसको तो छोड़ ही दो, इसमें जाएगा ही नहीं। अब किस में जाएगा, इन दो ब्रांच में जाएगा। कैपेसिटर कहता है देखो मैं बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता T=0 पे, मैं एक प्योर कंडक्टर हूं। अब करंट ये सोच रहा है यार दो रास्ते हैं, ये रास्ता रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये बिल्कुल नहीं कर रहा, और करंट वो रास्ता चुनता है जो बिल्कुल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, सारा का सारा करंट किस में से पास हो जाएगा, कैपेसिटर में से। तो अगर कैपेसिटर में से पास होगा करंट, तो कौन सी रेजिस्टेंस रास्ते में आएगी, सिर्फ R, तो करंट पहले केस में क्या होगा, सिर्फ E/R। तो T=0 पे कैपेसिटर एक्ट्स एज अ प्योर कंडक्टर, तो फिर करंट क्या होगा, E/R बस। तो पहला ये रूल समझ में आया, तो T=0 पे कैपेसिटर कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता तो सारा करंट सी में से पास हो जाएगा, इसमें से भी नहीं जाएगा, रूल नंबर वन क्लियर। जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो कैपेसिटर कहता है मेरे अंदर करंट भेजने की जरूरत नहीं, मैं नहीं पास होने दूंगा। अब क्या बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, तो कुछ करंट इसमें जाएगा कुछ इसमें भी जाएगा, पर इंडक्टर का रोल इसमें बिल्कुल नहीं रहेगा। अब 3R और 6R किस में हो जाएंगे, इन पैरेलल, और जो आंसर आएगा आर के साथ इन सीरीज, तो 3R और 6R पैरेलल में, आर के साथ इन सीरीज, तो टोटल रेजिस्टेंस 3R, तो करंट क्या होगा, E/3R। तो पहले केस में करंट E/R, दूसरे केस में करंट E/3R, रेशियो निकालनी है 3:1।
तो पॉइंट समझ में आया, इंडक्टर और कैपेसिटर की स्विच ऑन करते ही टीज इक्वल टू जीरो और टीज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे जीरो और इन्फिनिटी पे। पहले केस में टीज इक्वल टू जीरो, टीज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर तो कहता है मैं तो पास होने दूंगा नहीं, दो वायर्स रह गई। कैपेसिटर कहता है मैं बिल्कुल रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करूंगा। अब करंट के पास दो रास्ते हैं, एक ये ये कहता है मैं कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर करूंगा, पर करंट कौन सा रास्ता फॉलो करता है जो रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं करता? सारा करंट ये रहा। तो एक तरीके से कैपेसिटर की वायर ने 6R को शॉर्ट सर्किट ही कर दिया, याद करो नो रेजिस्टेंस, तो सारा करंट उसमें से निकल गया। ठीक है यहाँ तक? तो रूल समझ में आ रहा है कि कैसे टीज इक्वल, बहुत क्वेश्चन आएंगे टीज इक्वल टू जीरो और इन्फिनिटी पे इंडक्टर कैपेसिटर पे, खास है ना ये टाइम, जीरो और इन्फिनिटी पे दोनों की प्रॉपर्टी देखो उल्टी है। ठीक, तो ये पॉइंट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है। जब ये क्वेश्चन कोई स्टूडेंट पहली बार करता है ना, गारंटेड गलत करता है, 100% गलत करता है। कोई एक होगा जो शायद गलत ना करे। आप कहोगे ऐसा क्या खास है, कैपेसिटर एंड रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब सीरीज को छोड़ के किस में हो गए, पैरेलल में। अब ये पैरेलल वाला सर्किट लगेगा। एक्स सी और आर गिवन है, वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी गिवन है, तो एक्स सी की वैल्यू आर गिवन है, फेज डिफरेंस बताओ आई टू आई वन में क्या होगा। अब फेज डिफरेंस के साथ मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, नेट करंट क्या होगा इसमें आई टू आई वन में? तो काफी लोग कहेंगे आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, कोई गलत नहीं लगता, क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं, पक्का गलत है, चलेगा ही नहीं इसमें आई इक्वल टू। ऐसे कैसे यार, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू क्यों नहीं चलेगा? हाँ, अगर वो डीसी होता तो चलता, ये तो एसी है। अब अगर ये एसी है तो आपने कैसे सोचना है? सीरीज एलसीआर याद है, सीरीज एलसीआर में करंट कांस्टेंट होता था तीनों में, और सीरीज एलसीआर में अगर आपको याद होगा, एलसीआर जब सीरीज में थे तो हम ऐसे करते थे, ये करंट था, ये वीआर था, करंट को यहीं रखते थे क्योंकि कांस्टेंट है। वोल्टेज इंडक्टर में आगे थी, कैपेसिटर में पीछे थी, फेजर बनता था, वी को सॉल्व करते थे क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट है, वी चेंज होते हैं। पर ये क्या है, ये तो पैरेलल है, पैरेलल में क्या चीज़ सेम रहेगी, वी। इस फैक्टर को नहीं छेड़ना, वी सेम है दोनों के लिए क्योंकि दोनों पैरेलल में है, क्या चीज़ चेंज होगी, करंट चेंज होगा। तो अगर कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर में जो करंट होता है वो वोल्टेज से क्या होता है, आगे होता है 90। तो ये अब जो फेजर बनेगा वोल्टेज में नहीं बनेगा, अब फेजर किस में बनेंगे, करंट में बनेंगे। सीरीज एलसीआर में फेजर वेक्टर किस में बनते थे, वोल्टेज में, पैरेलल में किस में बनते हैं, करंट में। और इंडक्टर की, इंडक्टर का जो करंट होगा वो क्या होगा, इंडक्टर का करंट वोल्टेज से पीछे होगा 90। और अगर मैं ये पूछ लूँ नेट करंट कितना है, तो आप बड़े करंट में से छोटे करंट को माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आई वन प्लस आई सी प्लस आई एल तो हो ही नहीं सकता, या तो आई वन माइनस आई टू होगा या आई टू माइनस आई वन होगा। पूछा नहीं क्वेश्चन में, पर मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि ऐसे सोचना है। तो आप सिंपली ये मत करना आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एसी में नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो कैसे सोचना है, आज ऐसे तीन क्वेश्चन आएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला लॉजिक क्लियर है। अब अगर लॉजिक ये क्लियर है तो अब इस केस में वो क्या कह रहे हैं, इसके अंदर वो कह रहे हैं वी तो दोनों में सेम ही रहेगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसमें करंट आई वन क्या होगा, वी डिवाइडेड बाई फोर, ये रहा रजिस्टर में वी बाई फोर, और इसमें क्या होगा, वी डिवाइडेड बाई थ्री, आई वन आई टू आ गया। अब क्योंकि ये क्या है, इस केस में एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, क्योंकि एक रजिस्टर और कैपेसिटर है तो वोल्टेज ऐसे फिक्स कर लो, तो रजिस्टर में वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेस, एक ही तरफ चले गया, और कैपेसिटर में करंट आगे है वोल्टेज से बाय एन एंगल ऑफ 90। तो फेजर समझ में आया करंट्स का, तो ये रेजिस्टर का करंट है और ये कैपेसिटर का करंट है, आपको फाई निकालना है, निकाल लो, आई वन पता है, आई टू पता है, टेन फाई क्या होगा, आई टू बाय आई वन, आई टू पता है, आई वन पता है, यहाँ से डिवाइड करके आंसर 53 को छोड़ो, ये समझ में आया, टेन ऑफ 4/3 53 डिग्री होता है। आइडिया समझ में आया कि कैसे सोच रहे हैं, पैरेलल के अंदर वी सेम रखते हुए करंट के वेक्टर बनेंगे, सीरीज एलसीआर में करंट को सेम रखते हुए वी के वेक्टर बनेंगे, कोई डाउट इसमें?
ये समझ में आ गया, इसमें ये V है, पैरेलल में V सेम रखना है, V फिक्स कर लो, रेजिस्टर लगा हुआ है इसमें, रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज सेम सेम फेस, कैपेसिटर में वोल्टेज से आगे होगा। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, ऑप्शन कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर टू में अ सर्किट कंटेन्स आर एंड एल। चलो शुक्र है, जब सीरीज आता है ना तो बढ़िया सा लगता है कि तो सीरीज आ गया, कर ही लेंगे कुछ ना कुछ सीरीज में। क्या कह रहे हैं, वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी है, करंट इन आर एंड एल विल बी इक्वल टू व्हाट, ये तो हमने किया हुआ है कि अगर करंट आर में क्या होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंडक्टर में क्या होगा पाई बाई टू पीछे होगा। तो साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू मैथ्स में क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, तो उस हिसाब से यहां पर कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। बेटा करंट अच्छा हाँ एक सेकेंड अच्छा ये तो सीरीज में है सच, ये भी सही है, तो ये भी सही है, गलत कर दिया। तो इसमें करंट सेम होना चाहिए, गलत किया मैंने, करंट की वैल्यू इसमें सेम होगी क्योंकि ये दोनों किस में कनेक्टेड हैं। तो मेरे को लगता है कि इसमें ऐसा करना चाहिए मुझे, वी को तो रहने तो वैसे ही, एल आर सर्किट में ये क्या है वी आर है, ये क्या है वी एल है, तो ये क्या आएगा फाई, ऐसा आता था ना। तो अपने को जो करंट है तो वोल्टेज की वैल्यू अगर क्या गिवन है वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट सीरीज में यहाँ होता था तो करंट की वैल्यू आनी चाहिए वी आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई, ऐसे होगा ना आंसर, तो फिर भी नन ही होगा आंसर, तो फिर नन होगा, फाई की फॉर्म में तो वैसे कुछ दे नहीं रहा वो, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। हाँ ये सोल्यूशन गलत हो गया यार, सही कह रहे हैं क्योंकि करंट सेम होगा और दोनों में फाई के हिसाब से करंट आएगा, दोनों में अलग अलग करंट नहीं आएगा, सही है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, मुझे बस ये बता दो ये एल सी आर पैरल है कि सीरीज है कि मिक्सड है।
मिक्स लग रहा है आपको, ऐसा लग रहा है ओ सीरीज है, अच्छा ठीक है ये सीरीज है क्योंकि ये आर है, ये एल है और ये सी है। वोल्ट मीटर के चक्कर में मत पड़ो, वो तो वैसी मशीन लगा के वोल्ट मेजर कर रहा है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो वी की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 कॉस ओमेगा टी, ये ओमेगा है और ये वी नॉट है, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, वोल्ट मीटर एमीटर की रीडिंग बता दो, हाँ तो रीडिंग बता देते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो वी की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ से कंपेयर करके वी नॉट आ जाएगा और ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक्स एल निकाल के देख लो, एक्स एल क्या है यहाँ पर, एल ओमेगा। आप यहाँ पर एक्स एल निकालो, एक्स सी निकाल के देख लो, 1/c ओमेगा, अरे सेम आ गई, एक्स एल एक्स सी के इक्वल है, तो कंडीशन रेजोनेंस की आ गई। रेजोनेंस का मतलब कि दोनों की वोल्टेज भी बराबर सेम होंगी, तो अगर वोल्टेज सेम होगी तो नेट वोल्टेज क्या आएगी, जीरो। आपस में वी एल और वी सी कैंसल, तो वी की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, जीरो। अब क्या बचा, रजिस्टर बच गया। रजिस्टर में क्या निकालना है, करंट निकालना है। एम मीटर हमेशा कौन सा करंट मेजर करता है, आई आर एम एस, तो आई आर एम एस निकाल लो। आई आर एम एस क्या होगा, वी आर एम एस बाय जेड। वी आर एम एस तो पता नहीं है पर वी नॉट तो पता है 20, तो वी नॉट को रूट टू से डिवाइड करके क्या आ जाएगा, वी आर एम एस डिवाइडेड बाय जेड। जेड में एक्स एल एक्स सी बराबर है, तो बचेगा क्या, सिर्फ आर, करंट आ गया। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब ज़्यादातर आपने देखा एक चीज़, एलसीआर के ज़्यादातर क्वेश्चन सीरीज वाले रेजोनेंस पे ही आते हैं, कैलकुलेशन बचती है ना, नदर भाई तो सॉल्व करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ज़्यादातर केस में आप रेजोनेंस ढूंढने की कोशिश भी करना, मिली जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट है। आर को 6+4 क्यों लिया, क्योंकि ये क्या है, 6, ये सीरीज में इंडक्टर के अंदर छुपी हुई रेजिस्टेंस 4 भी है, तो ये भी लेनी है 6+4, इसलिए लिया, इंडक्टर में आर भी छुपा हुआ है। फोर्थ में, तो इसमें एक सिग्नल जनरेटर है, 200 वोल्ट आरएमएस के बने है और 5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के बने है, तो चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब ये एल और आर किस, सी और आर किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। पैरेलल में तो करंट से बच के रहना, पैरेलल का करंट ऐसे मत कर देना कि कुछ भी करके कर दिया, क्यों, फेजर है ना। तो इसमें ये 200 वोल्ट है फ्रीक्वेंसी ना, 50 हर्ट्ज ले ली मैंने, एक मिनट रुको, 50 एक सेकेंड, इसमें ना 50 किलो हर्ट्स है कि 50 हर्ट्स है मुझे मालूम नहीं, मैंने कैलकुलेशन 50 हर्ट्स से की है, चलो कोई बात नहीं। तो इसमें सबसे पहले आई आर एम एस निकाल लेते हैं। आई आर एम एस में देखो, वी आर एम एस तो दोनों में सेम रहेगा, तो ये 200 वोल्ट क्या है, वी आर एम एस, इसको भी सेम, इसको भी सेम, तो इसमें अगर वी आर एम एस है कितना, 200, रेजिस्टेंस 100 है, तो इसका करंट तो 2 एम्पियर आ ही जाएगा, तो आई ऑफ आर आ गया। कैपेसिटर का करंट क्या होगा, वी आर एम एस को किससे डिवाइड करना है, एक्स सी, एक्स सी क्या होता है, 1/c ओमेगा, तो दोनों अलग अलग करंट आ गए। अब दो अलग अलग करंट आ गए, इन रजिस्टर में करंट 2 एम्पियर आ गया, वो कह रहे रजिस्टर के करंट 2.2 एम्पियर गलत है, माफ कर दो, कैपेसिटर का कह रहे करंट 0.126 है, जबकि कितना आया, आया ही नहीं, तो ये भी सही गलत हो गया। एक और क्वेश्चन है, अगर मैं पूछूं टोटल करंट निकालो, पूछा नहीं उसने, पूछा भी होगा शायद उसने, क्या टोटल लाइन करंट निकालो, टोटल लाइन करंट कैसे निकलेगा, फेजर से, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो एक रेजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, तो नेट करंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आई सी स्क्वायर प्लस IR स्क्वायर, तो ये मैच कर लेना होगा तो ठीक है, नहीं तो मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है, आंसर्स को छोड़ो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट्स को कैसे हैंडल करना है इसमें, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है, RMS वैल्यू निकालो, लास्ट टाइम भी किया था। सिक्स्थ क्वेश्चन,
देखो इस क्वेश्चन के अंदर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज दे दी, दे दी, सही है, अच्छी बात है। कह रहा है ये अप्लाई किया एक सर्किट को, कौन से सर्किट को, L में, R में, LCR में, पता नहीं किस में, कह रहा है बस अप्लाई कर दिया। द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ये रहा पाई बाय फोर है, कह रहे ग्राफ दिखा सकता हूँ, ये नहीं बताऊंगा कि ये RC सर्किट है कि RL सर्किट है। हाँ मुझे इतना ऑप्शन से पता लग रहा है कि RC भी हो सकता है या RL, या RC है या RL है, ये तो बात पक्की हो गई, सही है यहाँ तक, इतना तो हिंट मिल गया। कई लोग सीधा मैथमेटिकली देख लेते हैं, उनको अपने थ्योरी याद है NCERT वाली, तो वो लोग ये बोलते हैं क्योंकि ये वोल्टेज V0 साइन ओमेगा टी है और करंट क्योंकि माइनस कॉस से स्टार्ट हो रहा है तो इंडक्टर जरूर होगा इसमें, क्योंकि कैपेसिटर का करंट कॉस से स्टार्ट होता था ऊपर से, इंडक्टर का नीचे से, तो ये क्वेश्चन RC का नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन RL का होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, याद है वो डायग्राम फेजर जो हमने NCERT में किए थे, तो इंडक्टर में नीचे से करंट स्टार्ट होता था, ठीक है वो 90 डिग्री फेज नहीं है पर अदरवाइज पाई बाय फोर है नीचे से, तो RL सर्किट हो सकता है, राइट, पर एग्जैक्टली क्या है मालूम नहीं, तो ऊपर से क्या पूछ रहा है, R बता दो, C बता दो, R बता दो, L बता दो, दे कुछ रहा नहीं, बता कहाँ से दें, ठीक, कुछ देगा कुछ तो फिर निकालें भी, तो इसके लिए मुझे समझ में आता है कि जो tan phi का फॉर्मूला हमने किया वो XL माइनस XC बाय R था, याद करो LCR में, अगर आपको ये पता लग चुका है कि ये RL सर्किट है तो XC को तो हटा ही दें, tan ऑफ पाई कितना गिवन है पाई बाय फोर, XL बाय R कर लें, tan 45 क्या होता है 1, तो XL किसके इक्वल है R कर लें, तो यहाँ से XL क्या है L ओमेगा इज इक्वल टू R कर लें, अब ओमेगा आपको कितना गिवन है 100, ओमेगा पता है हिट एंड ट्रायल है, फर्स्ट ऑप्शन लो, R को पुट करो 10, L को 1, हिट एंड ट्रायल पुट करो, सेटिस्फाई नॉट सेटिस्फाई, गलत नहीं आंसर, फिर ये पुट करो, R पुट करो, L पुट करो, लेफ्ट राइट बराबर आएगा आंसर, और कोई तरीका ही नहीं है, R और L कहाँ से निकालूं ग्राफ देखते हुए, हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा, तो एक एक वैल्यू को पुट कर करके देखना पड़ेगा, जो सेटिस्फाई हो गया वो आंसर होगा, डी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक है यहाँ तक, तो पहले ये डिसाइड कर लेते हैं कि करंट नीचे है तो LR सर्किट है, LR सर्किट में tan phi का फॉर्मूला पुट कर लिया, L ओमेगा इज इक्वल टू R कर लिया, L और R को वैल्यू पुट कर करके चेक करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। चलो ये तो आप शायद कर लें सेवन्थ, चेक करना LCR इन पैरेलल है, लास्ट टाइम किया था LCR इन पैरेलल। तो इसमें कंसीडर LCR सर्किट पैरेलल में है, पीक वैल्यू वी नॉट है, पीक करंट निकालना है, या सिंपल है, पीक करंट क्या होगा आई नॉट, वी नॉट बाई जेड, पीक करंट वी नॉट बाई जेड, अब जेड पैरेलल में क्या होता है, ये फॉर्मूला करवाया था 1/z का, याद है 1/z² 1/r² 1/XL माइनस XC का कुछ ऐसा फॉर्मूला था, रादर ये फॉर्मूला भी मेरे को याद ऐसा था कि वो अलग अलग था, 1/XL माइनस 1/, यही था क्या, अलग अलग था मुझे लग रहा है, यहाँ कुछ गलत लिखा हुआ है, चेक करना प्लीज, क्या ऐसा फॉर्मूला था 1/1/XL माइनस 1/XC का होल स्क्वायर, शायद ऐसा था, हाँ ये करेक्शन करना, ऐसा होना चाहिए, इकट्ठा नहीं था मुझे याद आ रहा है, ठीक है यहाँ तक। चलो 1/z का फॉर्मूला आता है, आप 1/z को यहाँ पुट कर लेना आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन देख लेना, अगर ये नहीं आ रहा तो नन पुट, क्या आ रहा है, नन आएगा फिर ऑब्वियसली, बी आ रहा है, अच्छा बी आ रहा है, हाँ बी, एक सेकेंड,
ये क्या चीज़ है, 1 बाई एक्स सी, ये क्या है 1 बाई एक्स एल, पर ये हो नहीं है 1 बाई जेड पुट किया ना, जेड थोड़ा ना पुट कर रहे हैं, 1 बाई जेड पुट कर रहे हैं, ये पूरे का पूरा एज इट इज मल्टीप्लाई होगा नहीं। देखो मैं कह रहा हूं कि आई नॉट क्या है, वी नॉट बाय जेड, बाय जेड का मतलब 1 बाय जेड, तो आप सीधा 1 बाय जेड की ही वैल्यू पुट करेंगे इसमें, डिवाइड थोड़ा करेंगे जेड को आगे, पॉइंट समझ में आ रहा है, तो 1 बाय जेड करेंगे दैट इज अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर 1 बाय एक्स एल माइनस 1 बाय एक्स सी का होल, ऐसा कुछ करेंगे, समझ में आ रहा है यहां तक, तो आप सिंप्लीफाई कर लें, देख लेना क्या आंसर आ रहा है, वो तो होल स्क्वायर नहीं है क्या, फर्क नहीं पड़ रहा फिर तो। अच्छा सी ले लो, पहले सी ले लो, एल ले लो, अब ठीक है, ठीक है, तो मार्क कर लेंगे, समझ में आ रहा है 1 बाय जेड के फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखना, आर और एल किस में गिवन है, सीरीज में, अरे वोल्ट मीटर को मत देखो, वो तो ऐसे ही है, आर और एल सीरीज में है, एक 70 और एक 20, क्या निकालना है इसमें, सोर्स वोल्टेज, नेट वोल्टेज क्या होगी, नेट वोल्टेज होगी अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर और वी एल स्क्वायर, तो सॉल्व करना एक आंसर आएगा, और इसमें क्या बताना है, ये आंसर 72.8 आएगा ही नहीं, जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 72.8 नहीं आएगा। उसके बाद कह रहा है कि फाई कितना है, टेन फाई क्या होगा, वी एल माइनस वी सी बाई आर, वी सी तो है ही नहीं, तो वी एल पता है, आर पता है, टेन इनवर्स 2/7, ये कह रहे हैं टेन इनवर्स 7/2, तो ये भी नहीं है, तो यानी कि डी ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग, तो आपको टेन फाई निकालना है, आपको नेट वोल्टेज निकालनी है, और फिर बताना है कौन करेक्ट है कौन रॉन्ग है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है, तो ये सीरीज की प्रॉब्लम है। नाइन्थ देखना,
एट क्वेश्चन में, एट क्वेश्चन में क्या कह रहे हो, क्या बन रहा है? आ रहा है 72.8। इसको सॉल्व करके 72.8 आ रहा है क्या? चेक करना, चेक कर लो, आ रहा है तो ये ऑप्शन मार्क कर दो, नहीं आ रहा तो फिर डी कर दो। आ रहा है, आ रहा है तो फिर ये ऑप्शन हो गया। आ रहा है तो फिर, आ रहा है तो फिर ये ऑप्शन मार्क कर दो, डन, क्लोज, डन हो गया फिर। ओके, इसमें फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन है और तीन करंट है, तो अब आपको देखो ना कितना गलत होने का चांस है क्वेश्चन। IR, IL, IC, है ना, हर बंदा क्वेश्चन आ गया तो 90% जनता तो यही मार्क कर देगी। अब क्या बताया मैंने, फेजर है, V सेम रहेगा पैरेलल में, तो IR कैपेसिटर का करंट आगे इंडक्टर का पीछे, तो नेट करंट क्या होगा, IC माइनस IL, और यहाँ से नेट करंट क्या होगा, अंडर रूट ऑफ IR स्क्वायर IC माइनस IL का होल स्क्वायर। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन तो बनती नहीं, सेकंड भी नहीं बनती। अब कह रहा है क्या ऐसा हो सकता है IL या IC मे बी हमेशा नहीं, मे बी ग्रेटर देन आए, हाँ ऐसा हो सकता है। कैसे? अगर अपने मन में रजिस्टर का करंट ले लो 2 एम्पियर, इंडक्टर कैपेसिटर का ले लो 10-10 एम्पियर, तो इंडक्टर कैपेसिटर का करंट हो जाएगा कैंसल और नेट करंट क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 एम्पियर। तो देखो इंडक्टर कैपेसिटर का करंट तो बड़ा है और नेट करंट छोटा है, तो हो गया ना कि IL या IC में भी ग्रेटर देन I। ऐसा क्वेश्चन हमने सीरीज में भी किया था, वो वोल्टेज की फॉर्म में था, ये करंट की फॉर्म में है, कि वोल्टेज नेट वोल्टेज क्या बड़ी हो सकती है इंडक्टर से, छोटी हो सकती है, हो सकती है, याद है? तो पॉइंट समझ में आ रहा है इसमें। नेक्स्ट, फिर से एक बार पैरेलल है, इस बार L और C है, तो आप में कैपेसिटर में करंट गिवन है, इंडक्टर में गिवन है, नेट करंट कितना है, पैरेलल है, ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, कैपेसिटर आगे इंडक्टर पीछे, तो बड़े में से छोटे करंट को निकाल लेना आंसर, 0.2। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट 11th, देखो वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर मतलब कोई आर नहीं है, ये वोल्टेज है। हम ऐसी वोल्टेज अप्लाई करते कब थे, हम तो साइन में करते थे, और अगर ग्राफ ऊपर से स्टार्ट है तो मेडिकल के लोग समझ लें, तो ये कौन सा फंक्शन है, कॉस, तो कह रहे हैं वोल्टेज कॉस में लो, लो साइन में मत लो, साइन के तो फॉर्मूले आपको याद है, ग्राफ भी याद है, तो कह रहे हैं वोल्टेज लो कॉस में, करंट बताओ कैसे चेंज होगा। अब मैथ्स है, जो वोल्टेज अगर कॉस में है तो करंट तो 90 डिग्री पीछे होगा, और मैथ्स में कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू या पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, मैथ्स में एक ही बात होती है, माइनस बाहर नहीं आता, तो इसमें कॉस ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी इज साइन, तो ग्राफ किसका बनेगा, साइन का, तो ग्राफ साइन का बनेगा, इसमें उल्टा हो गया, इतना करने की जरूरत क्या है। जो हमने किया था वोल्टेज साइन में थी, करंट कॉस में था, इसमें कॉस वोल्टेज है तो साइन करंट है, पर वो पॉजिटिव नेगेटिव है वो इसको चेक करना पड़ेगा, बट पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। मेडिकल वालों को ये चीज़ सोचनी पड़ती है, नॉन मेडिकल में तो ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ भी, सही बोल रहा हूँ ना, हाँ ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट ही हमने क्वेश्चन किया हुआ है, RL सर्किट है, RL सर्किट में पावर कंज्यूम निकालनी है, तो आज ही किया था, पावर हमेशा कैसे स्टार्ट करेंगे, आई स्क्वेयर आर, आई की जगह ई बाय जेड आर, और z इज अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस xl का होल, तो ये हमने किया हुआ क्वेश्चन है, पिछली शीट में था। 13th करो,
ओके नेक्स्ट है, कौन सा सर्किट है? एल सी सीरीज सर्किट है, एल और सी सीरीज में गिवन है, वोल्टेज गिवन है, अगर ओमेगा वेरी लो, ना बराबर, वेरी लो, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस वी एल और वी सी क्या होगा? यार अगर ओमेगा बिल्कुल ही लो कर दोगे, ऑलमोस्ट जीरो कर दोगे, तो एक्सएल क्या हो जाएगा? जीरो। एक्सएल जीरो होगा तो वी एल क्या हो जाएगा? जीरो। तो सारी वोल्टेज कौन खा जाएगा? वी सी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर आंसर क्या आएगा? वी सी क्या हो जाएगा? वी नॉट, और वी एल क्या हो जाएगा? जीरो। पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर ओमेगा बहुत लो है तो एक्सएल का इसका मतलब क्या वैल्यू हो जाएगी? जीरो। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट 14th, ये तो हो जाएगा यार। क्वेश्चन है, सी और आर गिवन है, कैपेसिटर में वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टर में पता नहीं, टोटल 10 गिवन है। टोटल वोल्टेज क्या होती है सीरीज में? अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वेयर और वी सी स्क्वेयर। टोटल पता है, वी सी पता है, वी आर आ गया, और साथ में क्या निकालना है? टेन फाई। आर सी सर्किट में टेन फाई क्या होता है? एक्स सी बाय आर। आंसर आ गया। सीरीज का तो बढ़िया क्वेश्चन लगने लग गया, सीरीज आया तो अच्छा ही है। ठीक, नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। एसी वोल्टेज, ध्यान आगे, एसी वोल्टेज इज गिवन एज 10 cos पाई बाई टू टी। ठीक है, ओमेगा इसमें कितना है? पाई बाई टू। कनेक्टेड टू 1 माइक्रोफेरेड ओनली कैपेसिटर लगा हुआ है, वोल्टेज दे दी उसने, की को क्लोज किया है टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। टाइम टी ग्रेटर देन जीरो पे करंट मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा कभी ना कभी, क्योंकि करंट तो बढ़ेगा बैटरी से, मैक्सिमम वैल्यू अचीव करेगा फॉर फर्स्ट टाइम। अब मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये नहीं है कि बस मैक्सिमम वैल्यू के बाद करंट पास नहीं होगा, ये कोई डीसी थोड़ी ना है, ये सप्लाई क्या है? एसी। तो कॉन्टिन्यूसली करंट कैपेसिटर में से पास होता ही रहेगा। तो कह रहे हैं करंट पहले जीरो था, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा? अब देखो करंट की वैल्यू इक्वेशन निकालते हैं, मुझे ये बताओ कि वोल्टेज कितनी है, इतनी वोल्टेज है, इसको अगर कंपेयर करेंगे वी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा क्या आएगा? पाई बाई टू, और वी नॉट क्या आएगा? 10। कैपेसिटर में वोल्टेज से आगे होता है करंट बाय एन एंगल ऑफ 90, तो करंट की इक्वेशन क्या बनेगी? कॉस ऑफ पाई बाई टू टी प्लस 90। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? माइनस साइन पाई बाई टू टी। ये स्टेप क्लियर है? तो ये 90 प्लस समथिंग है, 90 प्लस थीटा, तो माइनस कॉस साइन थीटा। तो करंट का ग्राफ माइनस साइन में चलेगा। माइनस साइन कैसे चलता है? उल्टा चलता है, साइन सी ऊपर चलता है, माइनस साइन नीचे चलता है। तो ग्राफ बन गया करंट का
करंट जब यहां से स्टार्ट हुआ तो पीक या मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आई, कितनी देर में आई, टोटल अगर टाइम पीरियड टी है तो आधा कितना है टी बाई टू, आधे से आधा कितना है टी बाई फोर, तो मैक्सिमम वैल्यू यहां से यहां कितनी देर में आई टी बाई फोर, तो यानी कि आंसर क्या आएगा टी बाई फोर। टाइम पीरियड क्या है टू पाई बाई ओमेगा, ओमेगा क्या है यहां पर पाई बाई टू, तो यहां पुट कर लेना ओमेगा पाई बाई टू आंसर, बढ़िया है। तो यानी कि करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू कितनी देर में आएगा टी बाई फोर, तो टी बाई फोर में टी निकालना है, टी टू पाई बाई ओमेगा। अगर ये सब कुछ ना भी करते, अगर ये सब कुछ ना भी करते, जैसे मेडिकल के लोग कहते हैं कैसे करेंगे, मत करें, आप वैसे ही सोच लें करंट अगर जीरो से मैक्सिमम वैल्यू पे आएगी तो टी बाई फोर में ही आएगा, तो टाइम पीरियड टू पाई बाई ओमेगा, ओमेगा तो वैसे ही आपको यहाँ से पता है, तो वैसे ही आंसर आ गया। आपको करंट की क्वेश्चन निकालने की जरूरत क्या है, वो तो मैंने निकाल लिया दिखाने के लिए कि देखो एक्चुअल ये सही अप्रोच, पर आपको इसमें जरूरत नहीं, आप वैसे ही पुट करोगे टी बाई फोर, वैसे ही आंसर आ जाएगा एक मिनट में। समझ में आ रहा है यहाँ तो, क्योंकि टाइम नेगेटिव तो होते नहीं है, टाइम तो पॉजिटिव ही होंगे, तो करंट की क्वेश्चन करने क्या निकाल के, समझ में आ रहा है यहाँ तक। पर हाँ, कल को उसने करंट का ग्राफ पूछ लिया, फिर समझ में आएगा कि हाँ करंट का ग्राफ ऐसे बना था। नेक्स्ट 16th, देखो एसी वोल्टेज वी जी नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें आर और सी किसमें कनेक्टेड है सीरीज में, क्या गिवन है आर इज इक्वल टू वन बाय सी ओमेगा, वन बाय सी ओमेगा क्या होता है एक्स सी, तो आर इज इक्वल टू एक्स सी दे दिया उसने। दी पीक करंट इज आई नॉट, कह रहे अगर ये इसके इक्वल है तो पीक करंट आई नॉट है। अब कह रहे ओमेगा को चेंज कर दो ओमेगा बाय रूट थ्री, ओमेगा को चेंज कर दो ओमेगा बाय रूट थ्री, तो बताओ पी करंट क्या होगा, नया करंट क्या होगा। तो केस नंबर वन में आर एक्स सी के इक्वल है, पीक करंट क्या होगा वी नॉट बाय जेड, जेड आर सी में क्या होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, पर एक्स सी यहां पर क्या है आर, तो आर स्क्वायर कर लें तो ये क्या आ जाएगा रूट टू आर, तो ये सॉल्व करके आई नॉट आ गया, यहां से वी नॉट बाय आर की वैल्यू निकाल ली। केस नंबर वन क्लियर हो गया। केस नंबर टू, ओमेगा की जगह क्या कर दिया ओमेगा बाय रूट थ्री, तो एक्स सी डैश चेंज हो गया वन बाय सी ओमेगा डैश, ओमेगा डैश सी बाय रूट थ्री, ये टर्म आ गई, तो यानी कि नया एक्स सी क्या आ गया रूट थ्री टाइम्स पुराना एक्स सी। तो नया पीक करंट क्या आ गया वी नॉट बाय नई इंपीडेंस, नई इंपीडेंस में आर स्क्वायर के साथ क्या आएगा एक्स सी नहीं आएगा एक्स सी डैश आएगा, एक्स सी डैश हमें मालूम है ये रहा, और हमें एक्स सी मालूम है क्या होता है आर, तो एक्स सी की जगह फिर से क्या पुट कर देना है आर, तो ये आर स्क्वायर रूट थ्री आर का स्क्वायर सॉल्व करके ही आ जाएगा। तो इसमें वी नॉट बाई आर हमें मालूम है कितना है रूट टू आई नॉट, तो इसकी जगह रूट टू आई नॉट आंसर। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे किया, ठीक है। तो ओमेगा को चेंज करने से पहले तो एक्स सी आर है ही है आई नॉट आ गया, फिर ओमेगा को चेंज करने से एक्स सी डैश निकाल लिया आपने ये, और एक्स सी की जगह आर पुट कर लिया वापस से, तो नई नया करंट आ गया वी नॉट बाई आर को पुट करके आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखो क्वेश्चन है, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, टू सी टू वोल्ट पे, सी वी वोल्ट पे, रजिस्टर कनेक्टेड है और एक स्विच है, डायग्राम में गिवन है। अब वो क्या कह रहा है इसमें कि मैंने इसमें स्विच को क्लोज कर दिया टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या निकालना है, इनिशियल करंट बोलो क्या होगा। समझ में नहीं आया तो किरचॉफ लॉ लगा दिया, कैसे, यहाँ पर माइनस से प्लस आ रहे हैं तो प्लस टू वी, माइनस आई इन टू आर, प्लस से माइनस तो माइनस वी इक्वल टू क्या, जीरो, तो वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर, डन, आ गया करंट सारी, तो वोल्टेज गिवन है इसमें, लूप बन गया पूरा, लूप के साथ करंट आ गया, तो पहला आंसर आ गया। इसका एसी इसी चैप्टर से कोई लेना देना है ही नहीं, ये तो पुराना इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रोस्टैट्स का चैप्टर चल रहा है। इसी के अंदर वो कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इन अ स्टेडी स्टेट। अब स्टेडी स्टेट क्या होती है, कॉन्स्टेंट करंट, कॉन्स्टेंट करंट वाली स्टेट, तो हमने करंट वो इलेक्ट्रोस्टैट्स में जितने भी कैपेसिटर किए थे वो सारे स्टेडी स्टेट पे ही तो थे, करंट कॉन्स्टेंट था, करंट पास होता नहीं था। आपको इसमें क्या निकालना है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस ईच कैपेसिटर का, तो स्टेडी स्टेट में दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल लगा देना, सी वन वी वन सी टू वी टू बाई सी वन प्लस सी टू, तो स्टडी स्टेट पे बहुत देर के बाद कनेक्शन के बाद दे विल अटेन अ कॉमन पोटेंशियल आंसर, तो ये भी एसी का चैप्टर है ही नहीं। नेक्स्ट है टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट टिल स्टडी स्टेट इज ऑब्टेन्ड, तो जब स्टडी स्टेट नहीं थी तो ये डायग्राम था, तो इसमें इनिशियल एनर्जी क्या थी, पहले कैपेसिटर की एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, दूसरे की एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर, फिर स्टडी स्टेट हो गई तो दे अटेन अ कॉमन पोटेंशियल, तो कॉमन पोटेंशियल और कॉमन पोटेंशियल अटेन करते ही दोनों कैपेसिटर किस में हो जाते हैं, पैरेलल में, तो 2C प्लस C माइनस करके आंसर, तो एनर्जी की वैल्यू। ये भी कोई एसी का क्वेश्चन कहाँ है, ये भी तो इलेक्ट्रोस्टैट्स की प्रॉब्लम है, इसमें भी क्लियर है। और लास्ट व्हाट इज द करंट इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हाँ अब ये एसी वाला कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि जब स्टेडी स्टेट आनी है तब तक करंट धीरे धीरे अपनी वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज। लास्ट लेक्चर याद करो, लास्ट लेक्चर में एक नोट बना के एक शीट दी थी कि कैपेसिटर में करंट क्या होता है, कैपेसिटर में करंट होता है ये रहा आई नॉट ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ, ये मैंने प्रूव करके दिया था आपको, जब आपको एक कहा था एक नोट, नोट कर लो, ये बार बार यूज़ करेगा कि कैपेसिटर में जो चार्ज होता है ड्यूरिंग चार्जिंग, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाई टाउ, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर दो करंट आएगा, वो करंट ये आता है आंसर, समझ में आ रहा है। और टाइम कांस्टेंट क्या होगा, इसमें टाइम कांस्टेंट होगा आर इंटू सी, अब सी में क्या होगा, सी इक्वलेंट, अब सी इक्वलेंट निकाल लेना, आर इंटू सी इक्वलेंट टाइम कांस्टेंट, तो आइडिया समझ में आ रहा है इसमें कि कैसे चार्जिंग स्टेडी स्टेट कैसे क्वेश्चन, क्योंकि इस केस में सब कुछ ही पूछ लिया उसने, स्टेडी स्टेट भी पूछ लिया और टाइम टी इक्वल टू जीरो भी पूछ लिया और बीच का चार्ज भी करंट भी पूछ लिया, जैसे ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए, टाइम कांस्टेंट निकालना है सिर्फ, एलआर सर्किट है। देखो रेशियो ऑफ टाइम कांस्टेंट
रेशियो ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट, टाइम कॉन्स्टेंट होता है एल बाई आर। तो जब हमने इसको ऑन करना है तो करंट ग्रो करेगा, जब ग्रो करेगा तो इंडक्टर में करंट किस रजिस्टर के थ्रू आएगा, 2R। इंडक्टर को इससे लेना देना नहीं है, इसका इमीडिएट रजिस्टर क्या है, 2R। तो टाइम कॉन्स्टेंट होगा एल बाई 2R। और जब डिस्चार्जिंग हो, सॉरी जब डीके होगा, बैटरी हटा दें, अब इसका करंट 2R में जाएगा, अब ऊपर कहाँ जाएगा, R में भी जाएगा। जब बैटरी हटेगी तो कहाँ जाएगा, 2R से होता होता R में भी जाएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या काउंट होगी, 3R। तो यहाँ पर क्या आएगा, L बाई 3R। तो रिपीट कर रहा हूँ, जब आपने चार्जिंग, जब इसे ग्रोथ किया तो करंट दोनों में जाएगा, पर इसका करंट इसके थ्रू आ रहा है, तो ये जो एल आर सर्किट है इसमें एल और 2R काउंट होगा बस। इसको क्या लेना देना यहाँ क्या करंट है, क्योंकि वो करंट तो यहाँ चला जाएगा, इसको अपने करंट से मतलब है जो कि 2R के थ्रू आ रहा है, तो L बाई 2R। और जब डिस्चार्जिंग होगी, इसको हटा, जब डिके होगा, बैटरी हट गई, तो इसका करंट अब इसमें भी भेजना ही पड़ेगा ऊपर, तो 2R के साथ R भी अब कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, तो L बाई 3R। तो डिवाइड करके टाइम कॉन्स्टेंट आएंगे। इंडक्टर की लूप कैसे हटेगी, ये तो ग्रोथ हो रहा है करंट का, ग्रोथ में तो इंडक्टर अपना रोल प्ले कर रहा है, इंड्यूस ईएमएफ। ये कौन सा स्टेडी करंट है, स्टेडी स्टेट का क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये तो करंट ग्रो हो रहा है स्टार्टिंग में। हाँ, तो स्टार्टिंग में आपने ऑन किया, इंडक्टर ने मना कर दिया, फिर मना कर दिया, फिर आगे स्टार्ट भी तो किया, तो ग्रोथ, फिर ऐसे तो सारी ज़िंदगी बैठे रहेंगे, ग्रो ही नहीं करेगा भाई। टाइम टी इक्वल टू जीरो पे मना करता है, टाइम टी इक्वल टू 1 सेकंड 2 सेकंड पे तो हाँ ही करता है, तो ये तो टोटल करंट पूछ रहा है इंक्रीज होते हुए क्या हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 2 एम्पियर करंट है, स्टेडी स्टेट है, चलो स्टेडी स्टेट सुनते ही समझ में आता है इसमें ग्रोथ एंड डिके लगेगा ही नहीं, कॉन्स्टेंट है, इंडक्टर कहते हैं कोई टेंशन नहीं, मेरे अंदर जितना मर्जी करंट भेजो। तो लो, यहाँ से करंट आया, तो करंट कहाँ जाएगा, इंडक्टर कहता है मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरा कोई रोल नहीं है, तो फिर क्या करंट कहाँ जाएगा, 2 ओम में से कि 4 हेनरी में से। कितने लोग बोलते हैं 2 ओम में से, इंडक्टर कहता है मैं पिछड़ जाता हूँ, स्टेडी स्टेट है कि इंडक्टर के अंदर से, इंडक्टर कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करूंगा, तो फिर हाँ 2 ओम में से नहीं, सारा करंट इंडक्टर से खिसक जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है मैं कुछ करूंगा ही नहीं, तो ये ना सोचो कुछ करूंगा तो हटा दो इसे, वो कह रहा है मैं रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करूंगा, तो सारा करंट इंडक्टर में से पास हो गया। हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर नहीं कर रहा, नीचे से पास करना पड़ेगा, सीरीज है, तो यानी कि अब मेरा क्वेश्चन क्या बना, 6 ओम का 6 ओम, 2 ओम तो बाईपास ही हो गया, सारा करंट इंडक्टर में से निकल गया, और इंडक्टर कुछ रेजिस्टेंस ऑफर कर नहीं रहा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की हट गई। नीचे स्टेडी करंट है तो इंडक्टर कुछ करेगा नहीं, रेजिस्टर लगा हुआ है 2 ओम, वो तो लेना पड़ेगा, और 4 ओम भी लेना पड़ेगा, और 3 भी लेना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में। ये 2 ओम, 2 एम्पियर गिवन है। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, इसके साथ,
तो टोटल रेजिस्टेंस आएगी 3, तो 2 + 2 एम्पियर क्या जाएगा 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर है और ये भी 4 एम्पियर है, तो टोटल वोल्टेज क्या आएगी 4 × 3 4 × 3 24 ओम तो लगा लेना फिर। तो मेन रूल तो वही था, इंडक्टर में से करंट पास कर देना है, असली चीज़ तो वही थी। क्लियर है यहाँ तक? लो डायग्राम देखने देखने में ही है ज़्यादातर, तो इसके देखने में तो इतना सामान लगा के देगा आपको कि यार ये मतलब सोच कहाँ से शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। तो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा है, t = 0 t = ∞, यानी कि आपसे प्रॉपर्टी पूछ रहा है इंडक्टर की, टाइम t = 0 पे। अच्छा एक तो ना ये पसंद नहीं मुझे, दो बैटरी आपको भी पसंद नहीं होगी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी याद करो, दो बैटरी के एक बैटरी कैसे करते हैं, इसकी रेजिस्टेंस आ रहा है इसकी 0, इक्विवेलेंट बैटरी याद है E1 R2 E2 R1 R1 + R2 याद है, तो बैटरी की वैल्यूज पुट की तो नेट वोल्टेज क्या आई V। तो आप इन दोनों वोल्टेज दोनों बैटरी की जगह एक बैटरी लगाओ V, राइट। अब टाइम t = 0 करते हैं, टाइम t = 0 पर इंडक्टर कहता है, जब आप इसको स्विच ऑन करेंगे इंडक्टर कहता है कि मैं कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करूंगा, तो सारा का सारा करंट कहाँ से जाएगा, इंडक्टर से, तो करंट क्या होगा V/R, बस V/R। और टाइम इन्फिनिटी पे इंडक्टर क्या करेगा, स्टेडी स्टेट हो गई, गलत हो गया, जब आप टाइम t = 0 करोगे तो इंडक्टर कहते हैं मैं अपने अंदर से करंट पास नहीं होने दूंगा, t = 0 पे तो लड़ता है ना, मैं पास ही नहीं होने दूंगा, तो इसमें कोई करंट नहीं, तो सारा करंट किस में जाएगा R + R 2R। और स्टेडी स्टेट इन्फिनिटी पे कहेगा मैं कुछ नहीं करता, मेरी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारा करंट कहाँ से जाएगा, ऊपर से, तो क्या होगा करंट V/R। तो शुरू में V/2R और V/R, तो करंट की रेशियो आ गई आपके पास, आपको यही तो निकालना है करंट की रेशियो कितनी है। तो स्टेप समझ में आ रहा है कि कैसे सोचते हैं, पहले दो बैटरी की जगह एक बैटरी, फिर उसके बाद t = 0 पे ये करंट को पास होने नहीं देगा, इन्फिनिटी पे सारा करंट इसमें से जाएगा। बार बार वही प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ t = 0 इन्फिनिटी पे, जो पहले क्वेश्चन में करवाई थी। ठीक है यहाँ तक? 8th इसमें ऐसा था ना, इसके साथ आ रहे, इसके साथ है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ यूज की, क्या क्वेश्चन है, स्विच इज इन पोजीशन ए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बड़ी देर से कह रहा है यार ऐसा लगा हुआ है ये, तो यानी कि कौन सी स्टेट है, स्टेडी स्टेट है, इंडक्टर का कोई रोल नहीं, तो यहाँ पर करंट क्या होगा मैक्सिमम, कितना E/R, करंट तो E/R होगा, तो इसमें इंडक्टर में करंट तो होगा पर स्टेडी करंट होगा, तो इंडक्टर में एनर्जी भी होगी ½ LI² क्योंकि करंट इसमें मैक्सिमम होगा। तो वो कहते हैं कि मैंने इस ए से इसका कनेक्शन तोड़ के बी से जोड़ दिया, अब ये इंडक्टर अपना करंट किस में पास करेगा, रॉड में, रॉड में करंट जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड में रॉड पड़ी हुई है, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, वो मूव करेगी, तो क्वेश्चन है कितनी वेलोसिटी से मूव करेगी। तो पहली बात, मूव करेगी तो कौन सी एनर्जी एक्वायर करेगी, काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी कौन देगा, इंडक्टर देगा, इंडक्टर कैसे देगा, इंडक्टर अपनी एनर्जी यहाँ से लेके आया है ½ LI² ये रही ½ LI² और I नॉट क्या है E/R, और वो सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो इंडक्टर की एनर्जी ½ LI² और I इंडक्टर वहाँ से लेके आया रेजिस्टर से E/R और ½ mv²। ठीक है यहाँ तक?
एल और सी कनेक्शन है, चेक प्लीज चेक। देखो एल और सी है, एल सी ऑसिलेशन याद है, कभी एनर्जी एल के पास कभी एनर्जी सी के पास, एल सी एल सी याद है, और याद है कि वो एस एच एम में होती थी, चार्ज जो है पीरियोडिक होता था। तो क्वेश्चन है एल सी सर्किट है, कैपेसिटर हैज मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट, तो मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट है, पर कैपेसिटर हमेशा डिस्चार्ज करेगा और अपनी एनर्जी को इंडक्टर को देगा ही देगा, इसको एल सी ऑसिलेशन बोलते हैं। तो आपको निकालना है डी आई बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखो अब करंट कहाँ से आएगा, कैपेसिटर कुछ दे तो रहा नहीं, तो आप अपने मन में सोचें कि चार्ज इसमें पीरियोडिक है, तो या तो इक्वेशन माने Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, या माने Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ भी मान लें। तो मान लो आपने साइन मान ली, इसे आप डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, पर उसने क्या पूछा डी आई बाई डी टी, तो अब आप क्या करें, करंट को फिर से डिफ्रेंशिएट करें डी आई बाई डी टी, तो डी आई बाई डी टी आएगा। डी आई बाई डी टी साइन में आ रहा है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू वन है, आंसर क्यू नॉट ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये ना सही, ये कर लो फिर से, ये क्लियर है, वो क्लियर नहीं है। क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी मान लिया, आप इसे डिफ्रेंशिएट कर लें डी क्यू बाई डी टी, ये टर्म आ गई, आई आ गया, आपको डी आई बाई डी टी निकालना है, इसे फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आई बाई डी टी आ गया। डी आई बाई डी टी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो कॉस की वैल्यू वन, और ओमेगा क्या होता है एल सी ऑसिलेशन में, वन बाई अंडर रूट ऑफ एल सी, आंसर नॉट फॉर मेडिकल, दो बार डिफ्रेंशिएशन है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे स्टार्टिंग करनी है। ठीक है यहाँ तक कर सकते हो, ये बहुत सही क्वेश्चन है मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों के लिए, चेक करना। सोच पा रहे हो इतने डेढ़ घंटा सुनने के बाद, क्या आप सोच पा रहे हो, पांच छह बार लगा चुका हूं कॉन्सेप्ट इसका। अच्छा बताओ पहले सर्किट में जो स्विच ऑन करेंगे तो करंट क्या होगा, टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट क्या होगा, आई वन, ई बाय आर होगा, ई बाय टू आर होगा, क्या होगा, ई बाय आर होगा, नहीं ये इतना बड़ा इंडक्टर नहीं दिख रहा आपको, इंडक्टर कहता है अच्छा तुम टी टी इज इक्वल टू जीरो पे बात कर रहे हो, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट को पास होने नहीं दूंगा, तो आई वन क्या होगा, जीरो, पास ही नहीं होने देगा। अच्छा चलो ये ले लेते हैं, इसे ऑन किया, ऑन करते इंडक्टर क्या कहेगा, मेरे अंदर करंट मत भेजना टी इज इक्वल टू जीरो पे, तो करंट किस में भेजना, इसमें, तो करंट क्या होगा, ई बाय आर, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इंडक्टर कहते हैं मत भेजना, तो ई बाय टू आर, आर प्लस आर टू आर, तो इसमें जीरो, ई बाय आर, ई बाय टू आर, मार्क कर लेना कौन सा करंट बड़ा कौन सा करंट छोटा।